नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 201वां एपिसोड। आज है 13 फरवरी 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2021 के हवाले से आईपीएल की नीलामी, आईपीएल की 8 टीमें तो वही चल रही, इंडिया इंग्लैंड सीरीज के भी हवाले से दिन भर की 10 बड़ी बड़ी स्पेशल खबरें लेकर हम हाजिर है दोस्तों। सारी खबरें डिटेल में बताएंगे, एंड तक वीडियो को जरूर देखें वरना आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। दोस्तों हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ कहीं नीचे से लाइक बटन को भी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज दिन भर की पहली बड़ी खबर की, तो ये खबर आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर से जुड़ी हुई आ रही है। दोस्तों आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर पर हम लगातार फॉलो अप रिपोर्ट्स आपको हर रोज देते हैं। अब बड़ी खबर दोस्तों ये है कि वीवो कंटिन्यू कर सकता है इस साल भी, नीलामी में वीवो ही स्पॉन्सर रहने वाला है। आप जब स्टार स्पोर्ट्स पर एड देखेंगे तो आपको वीवो आईपीएल ही दिख रहा है, पर यहां से एक संकेत साफ साफ हिंट मिल रहा है कि इस साल के आईपीएल में वीवो ही कंटिन्यू करेगा, तो ड्रीम इलेवन हट जाएगा और वीवो आईपीएल की वापसी फिर से होने वाली है, जो अभी तक के समीकरण संकेत हिंट हमें बता रहे हैं। इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की, तो भाई पिच से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। चेन्नई में होने वाला है आज दूसरा टेस्ट मैच की भी शुरुआत हो जाएगी और रिपोर्ट बहुत बड़ी है। रिपोर्ट ये है दोस्तों कि बीसीसीआई ने जो पहले टेस्ट मैच की जो चेन्नई में हुआ था पिच बनाई थी, उस पिच क्यूरेटर को हटा दिया है और नए पिच क्यूरेटर को रखा जाएगा। और ये जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ है इसकी पिच ग्राउंड्समैन ने बनाई है, ग्राउंड्समैन के बाद अच्छा अनुभव होता है, तो ये बड़ी अपडेट है और इससे एक संकेत हमें मिल रहा है और संकेत का फायदा आपको होने वाला है। संकेत ये है दोस्तों कि इतनी ज्यादा स्पिन शायद दूसरे टेस्ट में ना हो और इसका फायदा आप उठा सकते हैं माई इलेवन सर्कल ऐप पर। दोस्तों इस हिंट का फायदा उठाइएगा माई इलेवन सर्कल ऐप पर दूसरे टेस्ट मैच से जुड़ा हुआ, क्योंकि राशिद खान ने अपनी टीम बनाई है और अगर आप ये जो दूसरा टेस्ट है ना इसमें राशिद खान को हरा देते हैं तो आपको अपने जीते हुए अमाउंट का 3 गुना पैसा मिलता है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिखे फटाफट जाइए माई इलेवन सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जैसे आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आप अपना पहला पैसा डालेंगे तो इस ऐप की तरफ से 1500 रुपए आपको सीधे अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, 20% का स्पेशल डिस्काउंट अगर आप नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हैं इस ऐप को, तो आपको 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। बड़ी चीज दोस्तों यह है कि बहुत सारे लोग जीत चुके हैं, आप नाम भी देख पा रहे होंगे। और एक और बड़ी चीज यह है कि यहाँ पर प्लेइंग 11 बनाना बहुत कठिन नहीं होता और ना सिर्फ इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज चल रही है इसी के मैचेस आप खेल सकेंगे, तमाम सीरीज दुनिया भर के सारे मैचेस यहाँ पर अवेलेबल है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है और कितनी क्रेडिबल ऐप है इस पर तो मैं बात क्या ही करूँ, तो भाई वन ऑफ दी बेस्ट ऐप आप इसे इंडिया की बोल सकते हैं। तो सीधी बात है डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक है, देर नहीं करनी आपको, फटाफट जाइए माई इलेवन सर्कल ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, सारे ऑफर्स का लिमिटेड पीरियड ऑफर्स का फायदा उठाइए। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन रिस्क। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की, तो ये खबर दोस्तों सचिन तेंदुलकर के हवाले से निकल कर आई है। भाई सचिन तेंदुलकर फिर से दिखेंगे साइड में, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज 2021 की शुरुआत रायपुर में होने वाली है, 5 टीमों के साथ ये सीरीज होगी और इससे सिनेप्लेक्स जो कि चैनल आता है उस पर इसका लाइव टेलीकास्ट होने वाला है। एक बड़ी अपडेट है, सचिन तेंदुलकर ब्रेल ला रहा, दुनिया भर के तमाम बड़े स्टार्स खेलते हुए देखेंगे, 5 बड़ी टीमों के फॉर्मर प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की, तो भाई ये आईपीएल पर बम फटने जैसी खबर है। आईपीएल के फैंस इस खबर को सुनकर सो नहीं पाएंगे, क्योंकि जब मैंने बनाई थी तो उसके बाद मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी आईपीएल में शुरुआती हफ्तों से बाहर हो सकते हैं। शुरुआती हफ्ता जो आईपीएल का रहेगा उसमें शायद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स नहीं आएंगे और इसका सबसे बड़ा रीजन पाकिस्तान सीरीज है। पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करने वाली है और इस सीरीज में साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स खेलने वाले हैं। जाहिर है जब इस तरह की सीरीज होती है तो मोस्टली प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बड़े नाम इसमें रबाडा जैसा नाम, एबी डिविलियर्स तो खैर आ जाएंगे, लेकिन क्रिस मॉरिस जैसा नाम, फाफू प्लेसिस, क्विंटन डी कॉक, ये वो प्लेयर्स रहेंगे जो कि इन अवेलेबिलिटी शुरुआती 1-1.5 हफ्ते में शो करेंगे। और ये खबर आपको कैसी लगी, क्या पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज की जरूरत थी, क्या ये पाकिस्तान उंगली नहीं कर रहा है, आप अपनी राय इस पर जरूर दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बात कर लेते हैं दिन भर की पांचवी बड़ी खबर की, भाई एस श्रीशंत के हवाले से रिपोर्ट है।
अब आपको टेलीग्राम पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो आपको इन चीज को पता लगी गई होगी कि भाई श्रीचंद नहीं है हिस्सा, उन्हें फाइनली जो शॉर्टलिस्ट लिस्ट आई थी उन्हें शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया था, लेकिन श्रीचंद का इसके बाद स्टेटमेंट आ गया। श्रीचंद ने बहुत सारी चीजें बोली, वो भावुक भी नजर आए, लेकिन उन्होंने एक चीज जरूर बोली कि उनके रास्ते जरूर खुल गए हैं, केरला क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से खेलने पर अब उनके रास्ते खुल चुके हैं, वो बीसीसीआई के एफिलेटेड टूर्नामेंट में एंट्री ले गए हैं, और उन्होंने कहा है कि वो आने वाले टूर्नामेंट्स में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे ताकि वो आईपीएल में एंट्री ले सके। तो आधिकारिक रूप से अब श्रीचंद शॉर्टलिस्ट हुए नहीं है, उन्होंने तो नाम दिया था, रजिस्टर किया था, पर वो शॉर्टलिस्ट नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की, आईपीएल की शेड्यूल को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। 11 अप्रैल से आईपीएल की शुरुआत होने वाली है, मुंबई दिल्ली के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में पहला मैच हो सकता है और अहमदाबाद भी हो सकता है, तो मुंबई अहमदाबाद इन दोनों में से कहीं एक पहला मैच होगा। कोई भी डबल हेडर शेड्यूल में नहीं रखा जाएगा, तो आप ये बोल सकते हैं कि आधिकारिक रूप से आईपीएल शेड्यूल को लेकर ये पहली अपडेट थी, जो कि हर बार की तरह इस बार भी आपको माय क्रिकेट प्रेडिक्शन पर मिली है। अपडेट साफ साफ यही बोल रहे हैं कि कोई भी डबल हेडर नहीं होगा, मतलब एक लंबे दौरान दौर के लिए आईपीएल चलेगा। अगर कोई भी डबल हेडर नहीं होता है, जो कि रिपोर्ट्स आ रही है, तो आईपीएल 60 दिन चलेगा, मतलब पूरे 2 से 1.5 महीने तक आईपीएल चलेगा, और इतनी ही बड़ी विंडो बीसीसीआई ने निकाली भी है। तो सारे संकेत, सारे समीकरण, सारी रिपोर्ट, सारी न्यूज यही बोल रही है कि बिना डबल हेडर के साल आईपीएल हमें होता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की सातवीं बड़ी खबर की, तो एक बहुत बड़ा सवाल था जिसको लेकर हमारे पास फाइनल रिपोर्ट आ गई। ये सवाल दोस्तों ये था कि क्यों 292 प्लेयर्स ही सेलेक्ट किए गए, 1000 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया था, क्यों सिर्फ 292 प्लेयर्स का सिलेक्शन कैसे हुआ, तो इसको लेकर आपको अपडेट दे दूं दोस्तों, 8 टीमों ने मिलकर अपने इंटरेस्टेड प्लेयर्स के नाम बताए थे। 8 टीमों ने उन 200, 250, 150 खिलाड़ियों के नाम बताए थे जिनमें उनका इंटरेस्ट है, जिन पर ये बोली नहीं लगाएंगे, जिनमें उनका इंटरेस्ट है। तो 8 टीमों के मिलकर ये जो इंटरेस्टेड प्लेयर्स थे, जिनमें टीमें इंटरेस्ट दिखा रही हैं, उसको मिलाकर ये लिस्ट 292 प्लेयर्स की तैयार की गई है। ये इसलिए किया गया है ताकि भाई सारे प्लेयर्स को आप ले आते, टीमें इंटरेस्ट होती नहीं तो नीलामी का समय जाया हो रहा होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की आठवीं बड़ी खबर की, जो रूट के हवाले से आ रही है। जो रूट ने आईपीएल से बाहर होने पर बड़ा बयान दे दिया है, उन्होंने कहा है कि टफ डिसीजन टू स्किप आईपीएल, आईपीएल से बाहर होने का डिसीजन कोई आसान डिसीजन नहीं था, एक टफ डिसीजन था, लेकिन क्योंकि उन्हें बिडर्स मिल ही नहीं रहे हैं तो वो जबरन आना नहीं चाहते थे। इनके ऊपर मैं स्पेशली आपको पूरी न्यूज बता चुका हूँ क्यों बाहर हुए, इन्हें बिडर इस साल भी नहीं मिलने वाला था, चाहे वो कैसे ही चल रहे हो, और शायद वो 200 के बाद कुछ टीमें इनके पीछे जाती है, लेकिन विदेशी प्लेयर्स की इतनी जगह ही नहीं है आईपीएल में, तो इन्हें बिडर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की नौवीं बड़ी खबर की, मोहम्मद अजहरुद्दीन के हवाले से आ रही है। उन्होंने आरसीबी में जाने का हिंट दिया है, उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि वो आरसीबी में जाए और विराट कोहली के समकक्ष साथ में जाकर शुरुआत करें इनिंग की। अब क्या आरसीबी इनके पीछे जाएगी, क्योंकि मुझे तो लग रहा है जाने वाली है आरसीबी, भारतीय बल्लेबाज के रूप में क्या इनके पीछे नहीं जाएगी, आप खुद ही सोचिए ना, तो जाने वाली तो है, और कुछ बहुत बड़ा हमें नीलामी में यहाँ से ब्रेकआउट आता हुआ दिखेगा। लेट्स होप बेस्ट फॉर मोहम्मद अजहरुद्दीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की दसवीं बड़ी खबर की, बीसीसीआई का 2 किलोमीटर फिटनेस टेस्ट, जो नया उन्होंने फिटनेस टेस्ट रखा है, जो हमारे पुराने दर्शक उन्हें पता होगा कि बीसीसीआई खिलाड़ियों को फिटनेस को जांचने के लिए उन्हें 2 किलोमीटर तक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में भगवाती है, और उसके बाद तय होता है कि खिलाड़ी फिट है या नहीं। इसमें संजू सैमसन, नीति चौधरी, राहुल तेवतिया फेल हो गए, जो अभी तक की रिपोर्ट है। अब ये क्यों फेल हुए, क्या फेल हुए, क्या इनका रीटेस्ट होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। दोस्तों से ये तो थी दिनभर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में आप बताएं आपको कौन सी खबर लगी सबसे बेस्ट। दोस्तों बिल्कुल मौका मत छोड़िए माय 11 सर्कल ऐप पर अपना अकाउंट बनाने का, जैसा कि मैंने बताया इंटरेस्टेड है, 1500 रुपए आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे 20% का स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, तो वो चीज जरूर मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करेंगे ही, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए।